स्ट्रेटेजिक थिंकिंग विद कामरान बुखारी। आज हम बातचीत कर रहे हैं कामरान बुखारी साहब के साथ। पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उस पर हम भरपूर अंदाज से बातचीत करते रहते हैं, लेकिन कामरान बुखारी साहब का भी इस पर तबसरा लेते हैं। इसके साथ साथ ईरान में जो सूरत हाल है वो इस वक्त मैं तो ये कहूँगा कि बहुत ही पचीदा किस्म के प्रोटेस्ट ऑल अक्रॉस ईरान हो रहे हैं, उस पर वो क्या अपनी पोजीशन लेते हैं, और रूस यूक्रेन या रूस वेस्ट कॉन्फ्लिक्ट या वार वो अब किस मरहले पे है, उस पर भी बातचीत करेंगे। मैं खुश आमदेद कहता हूँ, स्वागत करता हूँ वाशिंगटन से वीडियो लिंक पर कामरान बुखारी साहब का। जी शुक्रिया। जी सर, पाकिस्तान में जो है ना अनप्रेसिडेंट किस्म की सूरत हाल, मैं तो कहूँगा कि जिस तरह मैंने पिछले हफ्ते DGISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें वो अपोलोजेटिक भी हैं, वजाहतें भी कर रहे हैं और इमरान खान को एक्सपोज भी कर रहे हैं, और मुबस्सरीन कहते हैं कि ठीक है पब्लिक को दिखाने के लिए वो अपोलोजेटिक हैं, मगर अंदर ही अंदर सख्त मैसेज इमरान खान को दे रहे हैं, लेकिन नक्शा बदल चुका है वहाँ के हालात का। आप उसको कैसे देखते हैं? जी, आई थिंक दे यू जस्ट सेड इट योरसेल्फ कि नक्शा बदल गया। देखिए, ये तो मतलब वो कहते हैं ना, देयर इज अ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। तो माजी में जो है, हमने कभी किसी भी ISI के सरबराह जो है, डायरेक्टर जनरल ISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नहीं देखा। तो तब कई जमाना हुआ, मतलब जब से टेलीविजन जो है कि ऊपर जो DGISPR है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस का जो डिपार्टमेंट है, जो मिलिट्री का ऑफिशियल फॉर्मल स्पोक्स पर्सन होता है, तो वही जो है प्रेस के साथ डील करता है। वो किसी और को डील करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभार जो है कोई मतलब अगर कोई और इंटरव्यू हो जाए मीडिया के अंदर, कोट हो जाए, जैसे मुझे याद है एक आज से कई साल पहले उस वक्त के जो DGISI थे, जनरल अहमद शुजा पाशा, उनका एक इंटरव्यू आया था डियर स्पीकल के अंदर, ये गालिबन 2010 11 या 9 10 की बात है। तो वो भी उसके बाद, लेकिन उसके बाद कुछ और नहीं हमने देखा। यानी और DGISI नॉर्मली जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, क्योंकि उनका इदारा हसास इदारा है, उनको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर जो है DGISI को ऐसा करना पड़ा है, तो फिर जाहिर है मतलब नक्शा बदल गया है, हालात नए हैं। वो अंग्रेजी का, अमेरिकन एक मुहावरा है कि डॉरथी इजंट इन कैंसस एनी मोर, और उसका मतलब ये है कि यानी वो एक विजर्ड ऑफ ऑज एक शो होता था 1950s का, तो उसमें जो है वो डॉरथी है, वो एक छोटी बच्ची है, वो अपने घर कैंसस में रहती है, तो वो एक मेक बिलीव दुनिया में चली जाती है। उसको एहसास होता है कि शायद मैं अब कैंसस में नहीं हूँ, क्योंकि उसको ये पता था कि मैं कैंसस की हूँ। तो मैं समझता हूँ कि वो मिसाल यहाँ पे सादर आती है कि पाकिस्तान अब वो वाला पाकिस्तान नहीं रहा, कम से कम इस एतबार से कि अगर जो है यहाँ पे फौज एक डिफेंसिव होना पड़े, डिफेंसिव पे आना पड़े, और इस तरीके से जो है, और ये खुद जो है DGISI ने जो है, जनरल नदीम ने ये खुद भी उसका इतराफ़ किया है कि मैं कभी भी ना आता, लेकिन मतलब मेरे ऑफिसर्स और जो फौज के जो एहलकार हैं उनके ऊपर जो है वो अटैक्स हो रहे हैं, तो मैं जो खामोश नहीं रह सकता था ऐसे मौके के ऊपर। तो वो भी ये बात इतराफ़ कर रहे हैं कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड किस्म की सिचुएशन है। और क्या हम आइंदा उनको दोबारा या किसी और DGISI को देखेंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि वो एक लाइन क्रॉस हो गई है कि जहाँ पर अब ये महसूस हुआ है, अब ये चीज़ जो है अनप्रेसिडेंटेड नहीं रही। अगर कल को आते हैं नहीं आते हैं, इमटेरियल, एक दफा हो गया, इट जस्ट हैपन्स, हैज टू हैपन वंस। तो अब मैं समझता हूँ कि इसके अंदर जाहिर है फौज को जो है डिफेंसिव पे है, क्योंकि उनके ऊपर बुछाड़ है, बराज इन वॉली ऑफ अटैक्स हैं इमरान खान साहब की जानिब से। और आयरनी ये है कि ये इमरान खान साहब जो मतलब लाने वाले भी जो है मतलब फौज है ना, और अब तो वो खुद भी एतराफ करते हैं कि हम मतलब पिछले साल तक या मतलब 2021 तक
आई थिंक जनरल बाबर जो DGISPR है, उन्होंने एक पिछली किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कहा था कि कोई 2021 की डेट दी थी उन्होंने कि उसके बाद से हम जो है हमने ये फैसला किया है कि हम मुदाखलत नहीं कर रहे और हम इस हुकूमत को सपोर्ट उस तरीके से नहीं कर रहे कर मतलब वो इशारों के नातों में, बल्कि यूं मैं कहूंगा कि मतलब इन नॉट सो मेनी वर्ड्स उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि हम पहले ये करते थे। और जाहिर है कि ये वो उनको भी समझ में आ रही है कि जब आप इस किस्म के एक्टर को जो कि यूजुअल सस्पेक्ट्स यानी माजी में भी यानी PMLN भी जो है नो सीक्रेट के PMLN को जो है बनाने वाले भी एक तरह से फौज है, इनेबल करने वाली फौज है, गो के बाद में 93 के बाद से लेके तो मियां नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को जो है वो अपने वोट बैंक को खुद बनाया और जो डिपेंडेंसी ऑन मिलिट्री है वो रिड्यूस हो गई थी और वो उसके बाद कशीदगी भी बड़ी वो तारीख का हिस्सा है। लेकिन जो अब हो रहा है वो पहले नहीं हुआ, जिस तरीके से विशियस अटैक्स किए जा रहे हैं, जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की जा रही है, और इस बात का फिर से मैं दोबारा दोहराऊंगा कि ये बात भी DGISI ने अपने मुंह से कही है, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि जो मतलब वो खुद नहीं कह रहे। तो ये दैट इज द रियलिटी, दैट इज द चेंज रियलिटी जिसने फोर्स किया है इनको शेडो से बाहर आने के लिए और अपना दिफा करने के लिए, वरना क्या जरूरत थी मतलब। और एक तरह से मतलब जो है मैं ये नहीं कहूंगा कि जनरल इट लुक्स बैड फॉर जनरल बाबर, जाहिर है वो अपना काम कर रहे हैं जो उनका काम उनको है, इट्स नॉट नेसेसरली रिफ्लेक्शन अ बैड रिफ्लेक्शन उनकी कारकर्दगी पे, लेकिन फौज की क्यादत ने, जनरल बाजवा ने, जनरल बाबर ने, जो भी कोर ग्रुप है फौज का, उन्होंने इसको जरूरी समझा कि DGISI भी आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और मतलब हम फिर वो मतलब टैक्टिकल मोमेंट में फंस जाते हैं कि अच्छा जी ये अरशद शरीफ के साथ इसका था, आई डोंट थिंक सो, आई थिंक के ये दिस वाज इन द मेकिंग फॉर अ वाइल। वो अरशद शरीफ का जो वाकया है मतलब अफसोसनाक, उनकी हलाकत जो हुई है जिस तरीके से, तो वो तो ट्रिगर बनी ना। तो आई डोंट थिंक दिस इज अबाउट वन जर्नलिस्ट, आई थिंक दिस इज अबाउट ए डायनेमिक के जहां पर फौज जो है वो अंडर अटैक है और उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है और ये बताना पड़ रहा है कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। और फिर आगे चल के हम बात कर सकते हैं कि वो क्या मतलब उनकी वो टारगेट ऑडियंस कौन था, लेकिन ये है कि इट इज वेरी क्लियर कि फौज जो है वो डिफेंसिव पर है इस वक्त और मतलब अपने अपना दिफा करने की कोशिश कर रही है इन द फेस ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पब्लिक क्रिटिसिज्म। जी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान ने अगले रोज़ अपना लॉन्ग मार्च शुरू किया, और उन्होंने लॉन्ग मार्च में पहली बात ये कही कि सुन लो DGISI, अपने कान खोल के सुन लो। तो जो ये लैंग्वेज है, इससे पहले सियासतदान इस तरह की एग्रेसिव और कोट अनकोट गैर मुहज़बाना लैंग्वेज पहले इस्तेमाल नहीं किया करते थे, गैर पार्लिमाना चलिए आप कह लीजिए। तो आपको ये जो लैंग्वेज क्या बताती है, किस तरह पाकिस्तान के हालात और पॉलिटिकल सरकमस्टांसेस आपको जाते नज़र आते हैं? देखिए ये बात तो किसी जो भी इमरान खान साहब को जानता है, उनकी मतलब करियर को जानता है, उसको ये पता है कि इमरान खान साहब जो हैं वो ही नेवर वेयर्स द ग्लव्स, हमेशा से ग्लव्स उतार के लड़ते हैं। तो वो तो मतलब ही डजंट पुल एनी पंचेस, और वो मतलब ही डजंट केयर अबाउट यू नो टोन लैंग्वेज स्टाइल, ही इज एन अग्रेसिव पॉलिटिशियन। और उस और वो फिर ये सवाल उठता है कि वो अग्रेसिव क्यों हैं और इस तरह खुल के फ्रंट फुट पे आके टू यूज क्रिकेट टर्मिनोलॉजी क्यों खेल रहे हैं जबकि दूसरे नहीं खेल रहे। उसकी भी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि उनका कैलकुलस है ना, ही इज ऑल्सो कैलकुलेटिंग एंड बेटिंग के हाँ भाई क्या होगा। उनको पता है कि उनकी मकबूलियत फौज के इदारे के अंदर बहुत ज्यादा है, और उस पर मैं और आप गुफ्तगू कर चुके हैं और बहुत कुछ कहा गया है मतलब पब्लिकली, बहुत सारे माहिरीन ने इसके ऊपर जो ना बहुत मतलब तफसील से इसको जन एक्सप्लेन किया है। लेकिन फॉर आवर पर्पसेस मैं ये बताना चाहूंगा सुनने और देखने वालों को कि इमरान खान साहब को खतरा नहीं है
मतलब ही थिंक्स कि उनके पास जो है रूम फॉर मनूवर बहुत ज्यादा है, और वो रूम फॉर मनूवर जो है वो फौज श्रिंक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो हमें नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब को खास जो है वो बैक ऑफ नहीं हो रहे। हाँ, वो मतलब टैक्टिकली जो है वो एक फॉर द मोमेंटरी पर्पसेस जो है रिट्रीट कर जाते हैं, थोड़ा हाथ हौला रखते हैं, लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद दोबारा आके तो उसी जारहाना अंदाज के अंदर वो बातचीत करते हैं। उनको पता है कि अगर उनको साथ जो है क्या करेगी फौज, अगर उनको लेट्स लुक एट दिस, लेट्स गेम दिस आउट, लेट्स बी इमरान खान फॉर अ मोमेंट एम्पैथेटिक एनालिसिस करते हैं, उनकी जहां वो बैठे हुए हैं वहां से दुनिया क्या नजर आ रही है। वहां से दुनिया ये नजर आ रही है कि अगर मैं ये जारहाना कार्रवाई करूंगा, एक तो मैं मकबूल बहुत हूं, ठीक है, और ऑलरेडी जो है मेरा जो बेस है वो भी खुलकर जो है वो गाली गलौज पे उतर आया है, और गंदे गंदे अलकाब इस्तेमाल किए जा रहे हैं, गैर मुहज्जबाना तो दूर की बात है, अगर आप उनके मतलब सोशल मीडिया पे जो फुटेज नजर आती है या जो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट्स नजर आती हैं उसमें, तो आपको पता है फिर बहुत ही गंदी जबान हो जाती है। लेकिन इट्स सफाइस टू से कि ये कहना कि यानी ओए तोए की जुबान में, ओए तोए कहते हैं पंजाबी में, ये तो छोटी मोटी बात है ना। तो उनको पता है कि मैं कर रहा हूं और ये चीज अब जो है वो मकबूल हो चुकी है, द जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल, अब जीनी को वापस बॉटल में नहीं रखा जा पा रहा, तो ही फील्स कि ही कैन गेट अवे विद इट। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है कि मतलब मेरे साथ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ क्या होगा, अच्छा मुझे मेरे खिलाफ केस हो जाएगा, केस तो पहले भी हुए हैं, और वहां पे भी अगर आप देखें तो केस होता है फिर वो कहीं जाता नहीं, एंड द मैसेज गोइंग टू इमरान खान इज कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जो है वो डजंट वॉन्ट टू पिक अ फाइट विद हिम, ठीक है, डजंट वॉन्ट टू गेट इन टू दिस नाइफ फाइट जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, अवॉइड करना चाह रही। तो जब वो ये देखते हैं उनको और के उनके हौसले और बुलंद होते हैं कि ये मुझसे ये जो है कुछ नहीं करेंगे, मैं आई हैव अ लॉट ऑफ रूम, मैं इससे भी ज्यादा मजीद जारहाना कार्रवाई कर सकता हूँ। तो फिर ये है कि चलें अब अगर इससे ज्यादा कोई, अगर मैं ज्यादा बढ़ जाऊंगा तो फिर क्या होगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, अगर मैं अरेस्ट हो जाता हूँ तो वो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर जो है मेरी जो मूवमेंट है उसमें और जो है हरारत पैदा होगी, लोगों को गुस्सा आएगा और लोग और जो है रिएक्ट करेंगे, और ये चीज एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती, ठीक है। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है कि जो है जैसे वो खुद ही कहते हैं कि जी अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं जो है मैसेज छोड़ के जाऊंगा कि भाई मुझे किसने जो है मेरी मतलब जो अगर मुझे मार दिया गया तो मुझे मारने वालों में किसका हाथ होगा, वो भी मतलब जाहिर है वो बोलते ज्यादा नहीं है लेकिन एवरीबडी नोज वो किसकी तरफ इशारा कर रहा है। सो राइट नाउ उनके लिए जो है वो जो कॉस्ट ऑफ बीइंग जारहाना है इजन टू हाई, और वो कॉस्ट ऑफ जारहाना होने को बढ़ाने के लिए ही DGISI आए और मैसेजिंग उन्हीं को दी जा रही थी कि ये जो है कि उन जाहिर है वो, और फिर ये भी कहा जाता है कि भाई जो है कोई हालात डिस्टेबलाइज हो रहे हैं, कहीं कोई फौजी इंटरवेंशन ना हो जाए, क्योंकि हुकूमत वक्त कुछ कर नहीं पा रही, इमरान खान साहब बहुत मकबूल हैं, इमरान खान साहब जो है का जो वो सितारा है वो अपने अरूज पे जा रहा है, तो ये तो क्लैश होने का डर है, तो फौज का इंटरवेंशन हो सकता है, इट्स पॉसिबल, लेकिन फौज का अगर इंटरवेंशन, आई डोंट थिंक फौज वॉन्ट्स टू डू एन इंटरवेंशन, बिकॉज वो उसका फिर वो होगा कि इट विल बी अकिन टू आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इन टू द फायर, ठीक है ना। तो और आई डोंट थिंक फौज की क्यादत इस मोड़ के ऊपर जहाँ ट्रांजिशन होने वाला है, जहाँ जनरल बाजवा रिटायर होने वाले हैं, वो किसी किस्म का इस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं। लेकिन अगर फौज का जो है अपना जब वो इंटरवेंशन नहीं करती कर सकती तो फिर यही करेगी ना कि आपको मतलब दैट्स द वर्स्ट दैट द फौज कैन डू कि जी इमरान खान साहब को पकड़ लिया जाए, कि जी वो अरेस्ट कर लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, ये जो भी किया जाए, लेकिन यू डोंट वांट टू गो डाउन दैट पाथ, सो दिस इज व्हाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही, और वो जी, मैसेज उनको भी जा रहा है कि भाई आप बंद करें ये और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आई थिंक इमरान खान इज स्टिल कॉलिंग देयर ब्लफ,
ठीक है सो टू स्पीक, ये नहीं मैं कह रहा कि वो ब्लफ कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब इज स्टिल सेइंग कि नहीं आई डोंट थिंक यू आर सीरियस। और फिर जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि इसके मुजिर असरात, इस स्टैंड ऑफ के मुजिर असरात फौज की अंदरूनी जो डिसिप्लिन है उसके ऊपर क्या असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि हमें पता है कि फौज के अंदर बिलखसूस मिड और लोअर रैंक्स के अंदर, ये मैं और आप इसके ऊपर गुफ्तगू कर चुके हैं, इमरान खान साहब के लिए बहुत नरम गोशा पाया जाता है। तो वो मैसेजिंग ये भी थी कि भाई आप ये कोई जनरल बाजवा का नहीं है, क्योंकि ये नैरेटिव फैला रहे हैं ना इमरान खान साहब के, ये फौज को कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इसका सिपा सालार जो है वो कोट अन कोट गलत आदमी है, और अगर वो चला जाए और तो ये फौज जो है वापस अपनी सही मुकाम पे आ जाएगी, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, जो उनको सपोर्ट करे तो सही है। तो वो ये जन एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपने लोगों को कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, हमने ये बहसियत इदारे के और बहसियत जो पूरी फौजी क्यादत है वो मुतहद है और वो अपने चीफ से के पीछे से नहीं हट रही, और ये एक प्रोसेस है जिससे हम गुजरेंगे और नया चीफ आएगा, तो कोई इस किस्म के यहाँ पे कोई डिविजन्स नहीं। देखिए इमरान खान का अभी जो लॉन्ग मार्च है वो बहुत कामयाब नहीं हो रहा, और वो उसको लॉन्ग भी कर रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि जितना दबाव डाल सकें उतना उनके लिए अच्छा है, और जितने अपने मुतालबात मनवा सकें उतना अच्छा है। बज़ाहिर उनके मुतालबात इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट मानती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन उनकी जो मकबूलियत है वो कुछ सोशल मीडिया की हद तक हमें नज़र आती है। मैं ये नहीं कहता कि वो मकबूल नहीं है, अभी भी शायद पाकिस्तान में इलेक्शन हो तो शायद सबसे ज़्यादा वोट उनको मिले, मगर कोई ऐसी बात भी नहीं अपेरेंटली लगती कि दूसरे जो हैं वो को बहुत ही नामकबूल हो चुके हैं, उनका भी ग्राफ थोड़ा सा दोबारा से बेहतर होना शुरू हुआ है। इस सारी सूरत हाल को आप पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के कॉन्टेक्स्ट में कैसे देखते हैं? देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे बेंचमार्क्स हैं जो देखने पड़ते हैं। पहली बात तो ये है कि आज जो है वो 2 नवंबर है, तो आज और 29 के दरमियान क्या होगा, क्योंकि जो है जाहिर है इमरान खान साहब जैसे आपने कहा कि वो लॉन्ग मार्च जो है वो नंबर्स हमें नहीं दिखाई दिए जा रहे, और वो हो सकता है कि उसकी वजह जो है एग्जॉस्टन है इमरान खान साहब के अपने कैंप के अंदर, कि भाई वो कितने अरसे से जब से अप्रैल में उनकी हुकूमत गई है कितने इस तरह की रैलियां कर चुके हैं, और एक लॉन्ग मार्च पहले भी किया था जो कि अब्रप्टली खुद ही उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया। तो कुछ तो वजह यह है कि शायद वो अपनी पूरी एनर्जी नहीं लगा रहे, वो इतने लोगों को लाने की सामने कोशिश कर रहे हैं कि वो बार्गेनिंग टेबल जो है उसके ऊपर लेवरेज हासिल कर सकें। तो जाहिर है पसे पर्दा गुफ्तगू चल रही है, वो उनके क्या डिमांड है, उनके 2 डिमांड हैं, एक इलेक्शन और दूसरा जो है ये आर्मी चीफ कौन बनेगा। अब इसमें जाहिर है उनके पास जो इलेक्शन है शायद वो शायद नहीं बल्कि उस इशू के ऊपर आई थिंक ही हैज अ बेटर हैंड टू प्ले, क्योंकि जो है वो उसमें कामयाबी हासिल करना शायद उनके लिए आसान है, बल्कि मैं कहूँगा कि जो है आई थिंक दैट इज सॉर्ट ऑफ द ईजियर ask या demand जो वो अपने मतलब हाथ में जो है ला सकते हैं। यहाँ तक आर्मी चीफ के बनाने का ताल्लुक आई थिंक दैट शिप हैज सेल्ड, कि अब जैसे मैंने जिक्र किया कुछ हफ्ते रह गए हैं कि जिसके बाद जो है हमें पता चल जाएगा कि नया आर्मी चीफ कौन आ रहा है। सो आई थिंक कि इस वक्त वो इस इशू के ऊपर जो है वो एक रियलिटी को एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई ऐसा ना आए कि जो मेरे बहुत खिलाफ हो, ठीक है, ऐसा आए जो वाकई ही न्यूट्रल हो, ठीक है। वैसे तो वो न्यूट्रल को जानवर कहते हैं और न्यूट्रल को पता नहीं क्या नहीं क्या कहते हैं, लेकिन राइट नाउ आयरॉनिकली ही इज लुकिंग फॉर ए न्यूट्रल चीफ ऑफ द आर्मी का, जो कि अगर मुझे नहीं पसंद करता तो दूसरों के साथ भी ना हो, ठीक है, और जो है आई एम विलिंग टू लिव विद दैट बिकॉज नाउ ही नोज कि ही कैंट चेंज दैट, क्योंकि वक्त ही नहीं रहा, वो तो आई डोंट थिंक कि दैट्स गोइंग टू हैपन। लेकिन आई थिंक हिज नाउ हिज मेन गोल इज कि इससे पहले कि जैसे आपने जिक्र किया कि जो PDM है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है उसको मोहलत नहीं मिलनी चाहिए कि वो अपनी पोजिशन को बेहतर कर ले। तो द मोर टाइम दे गेट जाहिर है देखें
वो जो जोश और जो वलवला होता है ना, क्योंकि ये होश कम है और जोश ज्यादा है इमरान खान साहब के कैंप के अंदर, उसको मेंटेन करना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज इम्पॉसिबल। वो वक्त के साथ वो डिसिपेट होता है। तो वो चाहते हैं जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, मोमेंटम को, जिस ही वांट्स टू राइड द वेव ऑफ यू नो दैट मोमेंटम, मोमेंटम जो है उनको वो बेसिकली इलेक्शन तक ले जाए और इलेक्शन में उनको कामयाबी हो जाए। जो रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं इलेक्शन के अंदर, वो जब इलेक्शन हो जल्द अज जल्द हो, तो वो उन ही विल बी एबल टू एटलीस्ट हैव ए मेजोरिटी, और जितनी बड़ी मेजोरिटी वो लेना लेना चाहते हैं वो हासिल कर सकें, एटलीस्ट गेट क्लोज एज पॉसिबल, मैक्सिमाइज करना चाह रहे। तो आई थिंक दैट्स वेयर द सिचुएशन इज, क्योंकि अल्टीमेटली अच्छा, और फिर उसका भी इशू ये है कि वो फैसला जो है ये बैक रूम में नहीं हो सकता। ये फैसला हो सकता है कि कुछ समझौता हो जाए, लेकिन इलेक्शन का जो अर्ली इलेक्शंस कॉल करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर जो है दोनों साइड्स को, हुकूमत और ऑपोजिशन को मिलके बैठना है। अब ये पार्लियामेंट में भी नहीं है, वो भी एक कॉम्प्लिकेशन है। हाउ डू यू गो बैक एंड यू नो कब जाएंगे कभी, वो भी एक जो है जो मूव इन्होंने की थी कि पार्लियामेंट से हमने इस्तीफे दे दिए, लेकिन वो इस्तीफे एक्चुअली नहीं दिए, तो वो एक लिम्बो में सिचुएशन है। तो वो होगा फिर वहां पे जो है दे हैव टू, कुछ सालसी का किरदार जो है, और उनको पता है कि ये सालसी का किरदार सिर्फ और सिर्फ फौज कर सकती है, और वो नहीं चाहते कि कोई फौज का ऐसा सरबरा आए कि जो एडवांटेज जो है वो सिटिंग गवर्नमेंट को दे, पीएमएलएन को दे, पीडीएम को दे इन दैट प्रोसेस। तो लेकिन ही नोज कि हाँ भाई इन दी एंड फौज ने ही ये मीडिएशन करनी है, ताकि ये दोनों किसी केयर टेकर, पहले तो डेट पे राजी हो, तो वो तो चाहते हैं कि जितनी टाइम मिल जाए उतना बेहतर है, ताकि हम कुछ थोड़े मईशत के हालात हैं बेहतर कर दें, जो इस वक्त उनके खिलाफ गुस्सा है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए और इमरान खान साहब की सपोर्ट थोड़ी ठंडी हो जाए, तो जो ताकि वो इलेक्शन इमरान खान साहब ना ले जाए ना, तो वो तो उनका है। इनका ये है कि हाँ भाई जल्दी से जल्दी हो, तो उस वो कौन तय करेगा, वो आपस में ये बैठ के तय करेंगे। फिर ये है कि इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन तो इंटर्न गवर्नमेंट कराती है ना, तो इंटर्न गवर्नमेंट की कंपोजिशन के ऊपर भी कोई समझौता होना है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन। सो ये सारी चीजें हमें देखनी है। सबसे पहली बात ये है, हाँ यू नो खैर बखैर आफियत 29 नवंबर तक पहुंच जाए, कोई और क्राइसिस ना क्रिएट हो जाए और नया आर्मी चीफ आ जाए। फिर वो नया आर्मी चीफ वो कौन है, वो फिर कौन सी तब्दीलियां लेके आएगा, क्यों उसने भी अपनी टीम असेंबल करनी है ना, अपने अपना एक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लगाना है, उसने कुछ की कोर कमांडर की पोजीशन में लोग लगाने होंगे अपने, जो जो उसके साथ काम कर सके, नया DGISI भी आ सकता है। ये सब चीजें तो अभी क्लियर नहीं है ना। सो दैट्स वन। साथ ही साथ जो है ये नेगोशिएशन फॉर इलेक्शन एंड देन ऑफ कोर्स नेगोशिएशन फॉर द न्यू इंटर्म गवर्नमेंट। तो ये We're looking at several months worth of process. जी, अब मूविंग टू ईरान। ईरान में जो प्रोटेस्ट हैं वो जारी हैं, और वहाँ पर पाकिस्तान में इमरान खान हकीकी आज़ादी की जो बात करते हैं वो हकीकी नहीं लगती, वो उनके ज़ाती इंटरेस्ट पे है, मगर ईरान में हकीकी आज़ादी का मंजरनामा है। और ये जो प्रोटेस्ट जारी और सारी हैं, इतनी शदीद जो वहाँ पे पाबंदियाँ हैं उनके बावजूद, आप उन प्रोटेस्ट को आगे किस सूरत में ढलता देख रहे हैं? ये अच्छा सवाल आपने किया है कि आगे क्या हो। क्योंकि देखें ये प्रोटेस्ट जो हैं अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंचे कि जहां वो तब्दीली ला सके। तो और मैं समझता हूं कि इस प्रोटेस्ट मूवमेंट को मजीद तकवीयत हासिल होनी है अगर वो उस लेवल पे पहुंचना है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि एक तो इनका जुग्राफिया बढ़े, सस्टेंड रहें, और सस्टेंड के अलावा इनकी में जो मुख्तलिफ तबकात हैं ईरान के, यानी सिर्फ यंग लोग ना हो, सिर्फ खवातीन ना हो, जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें शामिल हों, तब जाके दबाव बढ़ेगा। वो चीज अभी हम नहीं देख रहे। प्रोटेस्ट रिमेन सस्टेंड, और मैं समझता हूँ वो सस्टेंड इस वजह से हैं
एक तो ये है कि वो जो फियर फैक्टर है वो बहुत हद तक एक खास यूथ के अंदर कम से कम जो है वो डिसिपेट हो चुका है, वो उस तरीके से वो डरते नहीं है। और उसकी एक वजह भी है क्योंकि उनको भी नजर आ रहा है कि देखिए ना, कोई भी शख्स अपनी जान को खतरे में डाल के मतलब एक तरह से यूं कहिए कि कोई इलॉजिकल किस्म के तरीके से तो नहीं करेगा ना। कोई कैलकुलस होता है, वो कैलकुलस गलत भी हो, मिस कैलकुलेशन हो, लेकिन फिर भी कैलकुलस एक होता है। एंड आई थिंक मोस्ट पीपल जो जो अभी तक जो लोग कर रहे हैं प्रोटेस्ट, वो इस शय पे कर रहे हैं कि ये जो रेजीम है ये वीक है और ये बैकफुट पे जा रही है, ये ज्यादातर ये जाहिर है तशद्दुद करती है लेकिन कितने लोगों को मारेगी। और फिर ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक ट्रांजिशन है जिसके ऊपर लोग फोकस नहीं कर रहे, फोकस प्रोटेस्ट के ऊपर है। वो ये है कि जो इस तो रेजिम का जो मेन किरदार है, जिसकी जो पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द पूरी रेजिम मरतब हुई है, आयतुल्लाह खामेनी साहब, वो जो है उनकी सेहत ठीक नहीं है। ये जो जो है वो उनका जो मतलब सेहत है डिटेरिएट कर रही है, जितना वो मतलब ध्यान नहीं दे पा रहे और लोगों को ध्यान देना पड़ता है। और एक जो रियासत जो कि बेसिकली 3 दहाइयों से एक शख्स के ऑर्डर्स पे जो है अल्टीमेटली वही ऑर्डर देते हैं ना, बाकी लोग तो बैठ के तो फिर वो अपना ऑर्डर को कैरी आउट करते हैं, लेकिन अगर डिसीजन ऊपर से नहीं आ रहा और डिसीजन मेकिंग एक छोटे लेवल पे की जा रही है, तो वहां पे फिर मुख्तलिफ किस्म की आरा होती है। और जाहिर है कि उनका कोई मतलब नायब नहीं है, एक हुकूमत है, सदर है, पार्लियामेंट है, लेकिन अल्टीमेट पावर आयतुल्ला खामेनी के पास है। आई थिंक लोग ये देख रहे हैं कि रेजीम जो है वो थोड़ी सी घबराहट और बुखलाहट का भी शिकार है और उसका भी फायदा उठा रहे हैं, और रेजीम के अंदर से भी आवाजें आ रही हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, आप अपने लोगों को कब तक मारेंगे, ठीक है, इसके ऊपर कोई समझौता होना चाहिए, आपको कुछ ना कुछ जो है इसको ये मारपीट से लोगों को दबाव देने से। अब जैसे जो है ये IRGC के जो जनरल हैं, का नाम मुझे एस्केप कर रहा है इस वक्त, लेकिन उन्होंने जो है कुछ दिन पहले कहा कि आज जो है वो प्रोटेस्ट का आखिरी दिन है, उसको बड़ा एक वो ऑमिनस किस्म की जो है वो मैसेजिंग करार दी गई कि भाई शायद जो है अब क्रैकडाउन बढ़ेगा, तो हो सकता है कि वो क्रैकडाउन को मजीद जो है ना खराब करें, लेकिन आई डोंट थिंक अक्रॉस द बोर्ड क्रैकडाउन कर सकते हैं, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड क्रैकडाउन करने के लिए आपके अंदर ये हौसला होना चाहिए, कम से कम अगर जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट है, जो IRGC रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, वो तभी करेंगे ना जब वो कॉन्फिडेंट हों कि इसके करने के बाद सब जो है वो एक तरह से स्ट्रीट्स क्लियर हो जाएंगी और ये मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर उनको ये चीज कॉन्फिडेंट नहीं है, तो ये है कि अगर हमने मजीद दबाव डाला तो ये मजीद शक्ल बिगड़ सकती है और लोग सड़कों पे आ सकते हैं, ये लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आई थिंक ये चीज भी, ये डायनामिक भी लोगों को इनकरेज कर रहा है कि आप लगे रहें और ये मौका है, ये दोबारा मौका नहीं आएगा। जी, एक तरफ से ईरानी आवाम भी देख रहे हैं कि हालात अब इस तरह के हो गए हैं कि उसमें से हम मौका निकाल सकें अपनी हकीकी आज़ादी के लिए। दूसरी तरफ ईरान की इकॉनमी भी बहुत बुरी तरह इस वक्त क्रंच में है। वैसे तो दहाइयों से क्रंच में चली आ रही है, मगर ये जो सूरत हाल ईरान को दरपेश है, शायद ऐसी सूरत हाल पहले दरपेश ना हो। रूस के साथ उनके एक तरह से अच्छे कारोबारी मरासम हैं तेल के हवाले से, मगर रूस खुद माली क्रंच में है। तो उधर यूक्रेन ने फीफा को एक दरख्वास्त दी कि ईरान को बाहर निकाला जाए फीफा वर्ल्ड कप से, दो वजूहात की बुनियाद पर। एक तो यूक्रेन पर जो हमला हुआ है रूसी रिसेंटली, उसमें ईरानी ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। दूसरा, यूक्रेन ने यही जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं ईरान में, उसको भी बुनियाद बनाया।
तो आप ईरान के हालात इन ताज़ा प्रोटेस्ट के चक्कर में और इंटरनेशनल दबाव और इकोनॉमिक क्रंच में आगे कैसे चलते हुए देखते हैं? कैसे ईरान की रजीम सस्टेन कर पाएगी इस तरह के दबाव को अपने अवाम के ऊपर? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने ताहिर साहब। इससे पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे हैं, जो अवाम है, अवाम किस तरीके से, उसका कैलकुलस क्या है, तो उस पे हमने बात की। अब जरा कैलकुलस लेते हैं रियासत का। रियासत का कैलकुलस ये है कि बहुत सारी सोच ये भी रही है अब तक कि चलो कुछ दिन देखते हैं, लोगों को गुस्सा है, आएंगे, सड़कों पे जलाओ घेराव होगा, बस मतलब इस स्टेज से किसी तरह से हम निकल जाए, लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, बहुत सारे लोग घर चले जाएंगे, सारे तो नहीं जाएंगे लेकिन जो पीछे रह जाएंगे फिर उनको मतलब हम जो है दरा धमका के भगा देंगे। लेकिन जो है अभी जरा लोग वो जो एंगर है उसको रिलीज होने दो, इसको एक रिलीज वाल्व समझो और जो है आप वक्त गुजारें और ये रफ्ता रफ्ता जो है ये इसमें वो स्टेइंग पावर नहीं है और ये खुद ब खुद जो है ये आग वक्त के साथ साथ मद्धम होगी और फिर हम इसको बुझा लेंगे। जैसे मतलब करीब माजी में हुआ है गुज़िश्ता कई सालों के अंदर। तो ये भी कैलकुलस है जिस वजह से मैं समझता हूँ कि रियासत जो है वो हाथ नहीं डाल रही। फिर रियासत, आपने सही कहा कि फॉरेन पॉलिसी के एतबार से अभी तक जो इशू है ईरान का वो ये है कि बैनुल अक्वामी तौर पे चीन और रूस जो हैं वो ईरान को सपोर्ट करते आए हैं और उनकी जो बैकिंग है वो रही है, कम से कम जो है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर रही है और ऐसा नहीं है कि वो अनकंडीशनली ईरान को सपोर्ट करते हैं। उनके अपने मफादात हैं, अपने जो है लेन देन है मगरब के साथ दोनों रूस और चीन का, जिसमें ईरान को मोहरे की तौर पे इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वो जो रूस की जो सूरत हाल हो चुकी है वो ईरान के जो रियासत के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बखूबी जानते हैं और उनको खतरा ये है कि ना सिर्फ अब देखे ना, अब वो जो मदद कर सकते थे क्या कर सकते हैं, उनकी अपनी एक जंग है, मुसीबत है, पुतिन साहब के पास कितना टाइम है या कितनी सलाहियत है कि वो ऐसे हालात में ईरान को सपोर्ट करें। यहाँ तो हालात ये हो चुके हैं कि रूस जो है वो असला और ड्रोन्स ईरान से ले रहा है लड़ने के लिए, तो उनका असला जो है वो खत्म हो गया है, इतनी तेजी से वो रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे अपने जो है वेपनरी को। और बल्कि आज तो खबर ये आई है नॉर्थ कोरिया से भी आर्टिलरी खरीदी जा रही है, तो जो है वो तो हालात बहुत बुरे हैं। ईरान को पता है कि वो अब रूस के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकता। ईरान चीन को भी देख रहा है, चीन भी अभी अभी हाल ही में हमने देखा कि जो है वो जो पार्टी कांग्रेस हुई है और जो वहाँ के मुआशी हालात हैं, वहाँ के जो सोशल हालात हैं, उसमें चीन जो है उसके पास भी वो बैंडविड्थ नहीं है और इकोनॉमी उनकी ठीक, उनकी भी नहीं चल रही, तो वो क्या मदद करेंगे। फिर एक और एंगल भी है जो समझने की जरूरत है कि ईरान को अब ये भी खतरा है कि अगर रूस जो है वो यूक्रेन पे इस कदर फोकस्ड है तो जो इनका सबसे बड़ा मुश्तरका प्रोजेक्ट है खित्ते के अंदर सीरिया, वहां कितनी तवज्जो दे सकेगा, कितनी मदद कर सकता है अपना वहां पे। फिर ईरान को जो ऑलरेडी जमीन के ऊपर ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो ईरान सबसे ज्यादा असद रेजिम को सपोर्ट कर रहा है, एयर सपोर्ट जो है वो रूस से आती थी, माली सपोर्ट आती थी, डिप्लोमेटिक और जो है वो एनर्जी और इस तरह की जो सपोर्ट है, फूड एक्सपोर्ट्स वगैरह वो उसके थ्रू होती थी, लेकिन वो अब वो नहीं हो पा रही। तो वो भी एक खतरा है कि अकेले कैसे ईरान जो है वो असद रेजिम को सपोर्ट करे। सो ईरान के लिए सिर्फ ये जो डोमेस्टिक प्रोटेस्ट हैं ये बड़े बुरे वक्त में आए हैं। एक तो डोमेस्टिकली ट्रांजिशन हो रहा है, फिर बैनुल अक्वामी तौर पे, इलाकाई तौर पे जो है तब्दीली आ रही है क्योंकि रूस कमजोर हो गया है। तो ये दिस इज द वर्स्ट ऑफ ऑल टाइम्स फॉर दिस रेजिम, तो इसके ऊपर बड़ा दबाव है और ऑप्शंस इतने ज्यादा नहीं है। तो आई थिंक कि वो जैसे मैंने कहा कि वो भी ये देख रहे हैं कि किसी तरीके से ये आग ठंडी हो जाए और किसी तरीके से जो है ये जो प्रोटेस्टर्स हैं ये जहां पे हैं उतने ही रहें
और कोशिश यह है कि इससे कम हो जाए और जल्द अज जल्द जो है ये मामला जो है इस ये हम ये जो प्रोटेस्ट का जो दौर गुजर रहा है ये रियर व्यू मिरर में हो और उससे जो है वो इससे जो है ना छुटकारा हासिल करके जो और इश्यूज हैं उनके ऊपर डील किया जाए। नहीं चाहेगी ईरान की रियासत ये प्रोटेस्ट चल रहे हों और खामेनी साहब जो है वो अल्लाह को प्यारे हो जाएं और फिर जो है हमें वो ट्रांजिशन जो कि बड़े अरसे से सबको उसकी जो है इंतजार है वो बयक वक्त हो रहा हो ट्रांजिशन जबकि मुजाहरे भी हो रहे हों, वो तो एक जो है डूम्स डे सिनेरियो है क्योंकि वो तो फिर बैंडविड्थ जो रियासत की है वो स्ट्रेच हो जाएगी, रियासत खुद तब्दील हो रही है और उसको जो है पब्लिक जो है एंगर का भी सामना है। और जहां ईरान का अब चैलेंज निस्बतन कमज़ोर रूस के हवाले से और बढ़ गया है, रूस भी अब यूक्रेन की जंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और फेस सेविंग चाहिए, कैसे उस जंग से एग्ज़िट स्ट्रेटजी बने, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमें नज़र आ रहा है रूस की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो आपको ये सूरत हाल कैसे दिखती है? देखें यहाँ पे दो बातें जो है समझने की ज़रूरत है, एक तो ये है कि हाल ही में जो कोई ब्लैक सी फ्लीट है रूस की उसके ऊपर कुछ ड्रोन हमले हुए हैं यूक्रेनियन फोर्सेस की जानिब से, तो उसके जवाब में जो है अगर आप मिलिट्री लॉजिक लगाएं तो फिर जाहिर है उसको कोई जवाबी कार्रवाई अगर करनी होती यानी जो जवाबी कार्रवाई अमूमी तौर पर की जाती है वो फौजी एतबार से की जाती है कि भाई उन्होंने हमारे बहरी बेड़ों के ऊपर हमला किया है ब्लैक सी में तो हम उनके ही किसी जाने इलाके पे दोबारा काउंटर स्ट्राइक करें बैठ के ताकि उनको पता हो कि हाँ भाई अगर आप ये करेंगे तो इसकी एक कॉस्ट है। लेकिन एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन हुई कि उसके रिएक्शन में फौजी कार्रवाई नहीं हुई, उसके रिएक्शन में उसने कहा जी कि हम तो ये जो ग्रेन डील हुई थी जो जुलाई के अंदर तुर्की ने जो सालसी का किरदार अदा किया था ताकि यूक्रेन की जो जो अपना ग्रेन सप्लाई है जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको बखैर वाफियत जो है वो शिप्स को जाने दिया जाए ब्लैक सी के अंदर और जंग का उनके ऊपर असर ना, उसमें से वो पुल बैक कर गए। तो पहली बात तो ये है कि अगर जो है आप रूस के लिए ये करना एक कमजोरी की अलामत है कि अगर आप जो है अस्करी कार्रवाई नहीं एस्केलेट करना चाह रहे और उसके एक अस्करी जो है स्ट्राइक के मतलब रिएक्शन में आप एक मुआहदे में से निकल आते हैं तो ये कोई दिस इजंट ए शो ऑफ स्ट्रेंथ, तो ये चीज जो है क्लियरली आप डिफेंसिव खेल रहे हैं। फिर हैरत की बात है कि कुछ ही दिनों के बाद क्योंकि दोबारा से बीच में पड़ा और आज इतला आई कि जी वो तो उसको वापस ले आए हैं डील के अंदर, तो ये दोनों वाकयात जो हैं ये इस बात को शो कर रहे हैं कि उसके अंदर जो है मजीद एपेटाइट जो है जंग का वो नहीं नजर आ रहा अनलेस के वो कोई प्लानिंग कर रहे हैं और कहीं और हमला करेंगे या कोई जंग जो है मजीद पड़ जाएगी। पिछले शोज में इसके ऊपर मैंने और आपने बात की है कि इसके क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, लेकिन फिल वक्त ये नजर आ रहा है कि जैसे वो जंग से निकलने की कोशिश कर रहे हैं या कम अज कम इसको मजीद फैलाना नहीं चाहते, डिप्लोमेसी की तरफ अब जाना चाहते क्योंकि देखें अब कितना 9 महीने तो हो गए हैं ना, तो ये आई थिंक 10वां महीना शुरू हुआ है, 24 तारीख को होगा शायद, 24 तारीख को 10वां महीना शुरू हो जाएगा, तो ये अब बड़ी मुश्किल हालात हैं जिनको जिसमें से रूस को निकलना है। लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आप अगर हार रहे हो तो फिर आप बातचीत अगर उस वक्त आप बातचीत पे के आमादा हो जाते हैं फिर आपके हाथ में कुछ नहीं है जिससे आप अपने हिसाब से फेवरेबल कंडीशंस में आप जंग बंदी कर सकते हैं, फिर दूसरी साइड आप पे इम्पोज करती है। तो मैं नहीं समझता कि रूस उस हद तक कमजोर हो चुका है कि वो बस मतलब कोई भी किसी कीमत पे भी इस वक्त जो है वो जंग बंदी चाहता है, लेकिन वो ये चीज एक्सप्रेस कर रहा है, क्लियर मैसेजिंग हो रही है कि भाई हम मजीद जंग के हक में नहीं हैं, हमें मजबूर ना किया जाए, आप टेबल पे आए, हम गुड विल शो कर रहे हैं, तो आपने ब्लैक सी फ्लीट पे हमला किया, हम ग्रैंड डील से निकले और फिर वापस आ गए, तो ये इशारे किए जा रहे हैं।
लेकिन दूसरी जानब हम ये भी खबरें देख रहे हैं, मॉस्को टाइम्स की खबर है कि जी उससे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये खबर शायद चलाई थी कि इंतजामिया है उसने अपने फौजी जो लीडरशिप है उसको कहा है कि आप इस चीज के ऊपर एक प्लान बना के बताएं कि अगर हमें टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने पड़े तो वो किन हालात में करने पड़ेंगे, कहाँ करेंगे, उसके क्या असरात हो सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपने टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक करनी है, अगर आप सीरियस हैं, पहली बात तो आप सीरियस नहीं है क्योंकि वो तो एक वो फिर जो है एक नई दुनिया होगी, जैसे पहले मैंने और आपने इसके ऊपर गुफ्तगू की है। लेकिन फर्ज करें कि आप सीरियस हैं, तो आप दुनिया को तो नहीं बताएंगे ना, ये चीज आप अटमोस्ट सीक्रेसी में करेंगे। अगर आप टेलीग्राफ कर रहे हैं इस चीज को, ये एक चीज है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ये खबर फैलाए, लेकिन अगर मॉस्को टाइम्स फिर उसको दोबारा जो है कहे कि हाँ भाई ये हो रहा है, तो वो फिर उसको कहते हैं पॉस्चरिंग। आप मैसेजिंग कर रहे हैं, टेलीग्राफ कर रहे हैं कि देखें जो है हम ये भी कर सकते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कैरेट्स एंड स्टिक्स जो है का गेम चल रहा है, लेकिन अभी मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई ऐसे हालात हों। रूस इतना मजबूर शायद अभी नहीं हुआ कि फिल फॉर अनकरीब कहीं कोई जंग बंदी हो सके। जंग बंदी की तरफ कोशिश की जा रही है, लेकिन जंग बंदी मुझे करीब नजर नहीं आ रहा। आपने बात की कि जंगबंदी आपको होती कोई मुस्तबिल करीब में नज़र नहीं आ रही। अमेरिका के एक मारूफ इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट जेफरी सैक्स के मैं रिसेंटली कुछ इंटरव्यू देख रहा था, उनका इस बात पे भी इसरार है कि अमेरिका की जो कोशिश है कि यूक्रेन पे उसका असर वैसे तो अब बहुत है, लेकिन इतना असर बढ़ जाए कि रूस के लिए ख़तरा बन जाए, रूस इसको मुस्तकबिल में भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो आपको लगता है कि रूस उस मसले में, उस ऑब्सेशन में अभी भी है कि वो नहीं ये बर्दाश्त कर रहा कि उसके आसपास अमेरिकी असर व रसूख बढ़ जाए, और या वो बढ़ता कम होगा तो वो जंग से निकलेगा? इस सूरत को आप कैसे देखते हैं? देखिए जाहिर है गारंटीज तो वो चाहते हैं ना। ये जंग क्यों हुई है? जंग इसीलिए हुई है कि जो 2014 से लेके अब तक जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस चल रहा था वो फेल हो गया, और कोई ऐसा अरेंजमेंट पे आमादा नहीं हो पाए, मतलब मगरब और रूस की हुकूमत के जो है यूक्रेन का स्टेटस क्या हो। तो अब जाहिर है ये तो एक फोरगॉन कंक्लूजन है कि यूक्रेन न्यूट्रल नहीं है, यानी एक अगर प्रो मॉस्को नहीं हो सकता, क्योंकि नहीं हो सकता, लेकिन कम अज कम जो है वो जारहाना तौर पे जो है वो प्रो वेस्टर्न भी ना हो। तो अब अगर ऐसा है तो फिर क्या गारंटीज दी जा सकती हैं जो तहफुजात रूस के हैं कि जी अगर जो है यूक्रेन का झुकाव मगरब की जानिब बरकरार रहता है, वहां पे जमहूरियत मजीद पनपती है, वहां पे इलेक्शन होते हैं मुस्तकबिल के अंदर, तो वो रूस के अंदर जो रियासत है और खास तौर पे जो इस वक्त जंग के बाद जो डिस्टेबलाइज हुई है वो रियासत, उसके लिए खतरा ना बन जाए कि वहां पर आवाम जो है वो कहते हैं ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, तो वो रूस की आवाम जो है यूक्रेन की आवाम की देखा देखी मुजाहरे ना करना शुरू कर दे और इलेक्शन ना मांगे। पुतिन साहब की पोजिशन पहले से बहुत ज्यादा कमजोर है, और ये सिर्फ सवाल पुतिन साहब की जात का नहीं है, पुतिन साहब की जात और रूसी जो रियासत है वो ऑलमोस्ट सिनोनिमस है, तो वो रूसी रियासत के मुस्तकबिल की बात है, एक रेजीम चेंज ना हो जाए तो ये तो एक बहुत पेचीदा मसला है। और मैं नहीं समझता कि अमेरिका जो है अगर मतलब रूस एतबार भी करे तो अमेरिका डिलीवर कर सकता है, क्योंकि तो देखें ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते तो कैसे हो सकता है कि आप जो है रूस हैं और आप अपनी आमराना हुकूमत को एक जमहूरी या जमहूरियत की जानिब बढ़ता हुआ मुल्क के साथ, पड़ोसी मुल्क आपके अंदर जमहूरियत हो। ये वही बात हुई कि पाकिस्तान कैसे स्टेबल हो सकता है कि अगर तालिबान की जो रेजीम है वो मजबूत हो, उसके मुजिर असरात होंगे, टीटीपी की सूरत में होते हैं। टीटीपी क्यों शेयर हुई हुई है? इसीलिए कि वो चाहते हैं कि जो वहां की रियासत का निजाम है वही पाकिस्तान में भी आ जाए। तो
तो यही हाल जो है रूस और यूक्रेन का है कि यूक्रेन, ये एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है कि कैसे यूक्रेन डेमोक्रेटिक रहे, डेमोक्रेसी की जो है मतलब पाथ पे रहे, और साथ में रूस का जो निजाम है वो भी बरकरार रहे। तो ये चीज है, आई डोंट थिंक ये नेटो का इशू है या कोई मिलिट्री इशू है या अमेरिका जो है कि फौजें या मगरबी जो नेटो इतिहाद की फौजें हैं वो यूक्रेन में आ गई हैं तो वो रूस के बॉर्डर पे हैं, ऐसी बात नहीं है। यूक्रेन को नेटो का मतलब मेंबर बनने में बड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन कम अज कम वहां एक जमहूरी रवायत तो है ना, जमहूरियत की जानब वो मुल्क जो है कल्चरली भी और सियासी तौर पे और इकोनॉमिक्स, गो के इकोनॉमिक लेवल के ऊपर करप्शन बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी मजमूई तौर पे एक मगरब की जानब झुका हुआ है। तो रूस अपना, रूस के तो मतलब कैसे उसको जो है ये तसल्ली दिलाई जाए, क्योंकि जब सोवियत यूनियन जो है के साथ वो एक तरह से जो है वो कोल्ड वॉर की खत्म की गई थी, जब पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट गॉर्बचॉव के जमाने में हुआ, तो उस जमाने में भी यही अमेरिका ने कहा था कि हम जो है सोवियत यूनियन को कमजोर नहीं देखना चाहते, या हम जो है हमारे कोई ऐसा नहीं है कि हम सोवियत यूनियन को तब्दील करना चाहते हैं। ये 89 में जब रेवोल्यूशन हुए थे ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक के अंदर और वहां रेजिम चेंज हुई थी, यही बात हुई थी। वो रूस को याद है कि अमेरिका ने डिलीवर नहीं किया, बाल्टिक स्टेट्स एस्टोनिया लाटविया लिथुएनिया फॉरन जो है वो आजाद हुए सोवियत यूनियन से और वो नेटो का हिस्सा बन गए। उससे पहले जो है ईस्टर्न यूरोपियन ममालिक में उनका झुकाव था, पोलैंड भी नेटो का हिस्सा है, रोमेनिया भी अब नेटो का हिस्सा है। तो ये एक दफा वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो धोखा खा चुके हैं। तो यहाँ ये बहुत पेचीदा मसला है, यहाँ पे कोई ऐसा अरेंजमेंट मुझे नहीं नजर आ रहा कोई, लेकिन ये है कि मैं चूंकि इस काम पे नहीं लगा हुआ, जाहिर है इसमें डिप्लोमेट्स हैं नेगोशिएटर्स हैं दोनों साइड से, तो फॉर्मूले निकल भी सकते हैं, लेकिन कम से कम मुझे एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे जो रूस के खदशात हैं उनको जो है वो आप तसल्ली दिलाएं बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया कामरान बुखारी साहब, आज आपने वक्त दिया और हमने इंटरनेशनल अफेयर्स के तनाज़र में आपके स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के हवाले को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूर्स बातचीत सुन रहे थे स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में कामरान बुखारी साहब की, और इंटरनेशनल अफेयर्स के वो मामलात जो साउथ एशिया पर भी असरअंदाज होते हैं और जो साउथ एशिया से ताल्लुक़ भी रखते हैं, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में जिनका एक अहम इफ़ेक्ट होता है, उस पर हम कोशिश करते हैं कि कामरान बुखारी साहब के साथ बातचीत करते रहें। आज का तजिया देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.